हेलो दोस्तों, बागड़ो एसबी के चैनल में आपका स्वागत है। ये एक अकेडमिक और कम्पिटिटिव एजुकेशन हब है। आज हम लोग एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों, आपने इसका नाम सुना होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटिव बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये स्विट्ज़रलैंड में है, और आपको बता दें कि ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये एक एनजीओ है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स मिलके एक मंच पे आके काम करते हैं। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और इसका जो काम करने का तरीका है वो क्या है, इसमें क्या किया जाता है कि जो पूरी दुनिया के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और एकेडमिक और अन्य सारे लीडर्स को एक मंच पे लाया जाता है, यानी सारे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य मंत्री और बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े विद्वानों को, स्कॉलर्स को, प्रोफेसर्स को, इन सब को एक टेबल पे लाया जाता है, और वो आपस में लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं पर बातचीत करते हैं। और इसके साल में एक बार डेवोस में मीटिंग होती है जो कि जनवरी के एंड में होती है। आगे अब हम लोग देखते हैं कि इसके पब्लिकेशंस कौन कौन से हैं। दोस्तों, इसके पब्लिकेशंस की लिस्ट बहुत बड़ी हैं, कुछ प्रमुख हम लोग देख लेते हैं। एक तो ये जो इंस्टीट्यूशन है वो ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स निकालता है जिसमें ये सारे दुनिया के देशों को रैंकिंग करता है। फिर ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे भी रिपोर्ट जारी करता है जिसमें बताया जाता है कि दुनिया के सभी कंट्रीज़ की जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसके सदस्य हैं, उनकी क्या स्थिति है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, जिसमें मेल और फीमेल के बीच में इक्वलिटी पे बात की जाती है भी किस किस बेस पे इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है। रिस्क में, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट में और ग्लोबल इनेबलिंग रिपोर्ट में, ये कुछ पब्लिकेशंस हैं इसके, जो आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।